अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वर्सेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सही है? ये आप हर बार सुनते हैं कि भाई क्लाइंट साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है, तो आज हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं क्या। तो बेटा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वो होती है, सिंपल है, जो वेब सर्वर पे चलती है। किस पे चलती है? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर जिस तरह के आप कंप्यूटर चलाते हैं इसी तरह का कंप्यूटर होता है, जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाई होती है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल सिस्टम। ये सिस्टम बेहतर आपके स्टोरेज और प्रोसेसिंग के सिस्टम होते हैं जिनको आप सर्वर बना देते हो, जो 24 आवर्स आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं अपनी वेबसाइट यहां डिजाइन कर रहा हूं, है ना, यहां पे भी तो चला सकता हूं। जैसे आप लोग HTML CSS JavaScript पे वेबसाइट बनाते हो, आपके सिस्टम पे चल तो रही होती है, चल रही होती है ना, सही है, किसी नेटवर्क पे तो होती नहीं है वो। अब आप चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाए, तो आपको किसी न किसी ऐसे कंप्यूटर जिसको आप वेब सर्वर कहते हैं वहां रखना पड़ता है, ताकि आपकी वो वेबसाइट पूरी वर्ल्ड से एक्सेस हो पाए। कौन सा क्लियर हो गया? तो वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर जैसा ही सिस्टम होता है, जिसको सर्वर बनाया जाता है ताकि हम उसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स को रखें। कौन सा क्लियर है जी? ठीक है, और इसी तरह का कंप्यूटर है जिसकी कोई मेमोरी होती है और स्पीड भी होती है, जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड, जैसे कहते हैं ना, इतना सीपीयू हमारे सिस्टम में, इतनी मेमोरी है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, वैसे ही उसके भी टूल होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? अब बात करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की। इट रन्स ऑन अ वेब ब्राउजर। कि जो क्लाइंट साइड हमारी स्क्रिप्ट होती है, जो कोडिंग होती है, वो कहां चलती है? क्लाइंट साइड वेब ब्राउजर के ऊपर। यानी देखें, जो लैंग्वेज आपको कोई बोले ना कि ये सर्वर साइड है, इसका मकसद उसका जो कोड है, स्क्रिप्ट कोड को कहा जाता है। स्क्रिप्ट किसको कहा जाता है? कोड जो आप लिखते हैं। अगर उस कोड को चलाने के लिए कोई सर्वर की जरूरत है, तो आप कहेंगे भाई वो वेबसाइट, वो आपकी वेब स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट क्या है, वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। सही है, जो कोडिंग लिखते हैं ना बेटा, एक होती है जो सर्वर के लिए लिखते हो या सर्वर पे ही रन होती है, एक जो आप क्लाइंट के लिए लिखते हो या जिसको चलाने के लिए सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सिंपल सी बात है बेटा, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखो तो सिर्फ वेब ब्राउजर चाहिए चलाने के लिए, अब पीएचपी की लिखो तो आपको एक सर्वर चाहिए चलाने के लिए, ऐसे ही है ना, या एएसपी की कोडिंग लिखो तो उसके लिए भी सर्वर चाहिए, या जेएसपी जावा सर्वर पेजेस एक टेक्नोलॉजी है जिसके जावा की जो वेबसाइट्स बनती है ना वो जेएसपी में बनती है, सही है। तो जावा सर्वर पेजेस भी एक आपकी एक टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आपको किसी न किसी सर्वर की जरूरत पड़ती है, लाइक अपाची या टोमकैट। कौन से क्लियर है? अब उसके बाद क्या है? एडिशनल कंपोनेंट सच एज वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस आर इन्वॉल्व। इसमें यह नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर के पास या आपके और भी जो कंपोनेंट हैं उनकी जरूरत नहीं है। बेटा वेब सर्वर के साथ साथ और कंपोनेंट की भी जरूरत है। जैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूं, आप बेशक वेबसाइट पूरी जो चला रहे हैं वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, पीएचपी की स्क्रिप्ट है, लेकिन पीएचपी को भी तो कोई डेटाबेस चाहिए जहां वो डेटा रखे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पीएचपी बेशक खुद एक सर्वर साइड है, लेकिन जहां अपना डेटा रखेगी ना, उस डेटा को रखने के लिए भी एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, और उसको चलाने के लिए एक सर्वर की जरूरत है, वो MySQL सर्वर है। कौन सा क्लियर है? ठीक है, तो वहां पे एडिशनल कुछ एप्लीकेशन सर्वर भी रिक्वायर होते हैं, ताकि आपकी वो चीजें एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के हिसाब से जो है अकम्पलिश हो सके। उसके बाद ब्राउजर इज द ओनली कंपोनेंट इन्वॉल्व। यहां पे किसी और चीज की एडिशनल जो है वो क्या होती है, एनहेंसमेंट नहीं होती, सिर्फ वेब ब्राउजर ही होता है, इसको कोई और कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि पीएचपी को अपना जो डेटा है ना कहीं सेव करने के लिए किसी डेटाबेस की जरूरत पड़ती, और वो डेटाबेस जो चलता है उसके लिए भी एक सर्वर चाहिए, यानी और एक टूल, एक और सॉफ्टवेयर चाहिए। यहां पे अब भी कोई किसी का जो है कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर्वर प्रोवाइड्स रिजल्ट्स फॉर यूजर्स डायनामिक रिक्वेस्ट। यानी देखें, आपके सर्वर जो होते हैं ना,
वो आपको प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को डायनामिक रिक्वेस्ट, यानी वो रिक्वेस्ट इस तरह की होती है कि डिजाइन पे काम नहीं हो रहा होता, आपकी बैकएंड पे काम हो रहा होता, डायनामिकली काम हो रहा होता है, यानी आपके डेटाबेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो भी काम हो रहा होता है परमानेंट डेटा पे हो रहा होता है, या तो परमानेंट डेटा सेव हो रहा होता है, या तो परमानेंट डेटा अपडेट हो रहा होता है, या तो परमानेंट डेटा डिलीट या अपडेट या इस तरह से हो रहा होता है। जबकि यहां पे जो बात की जाए, रेस्पॉन्स इज फास्टर, सर्वर लोड इज रिड्यूस्ड। देखें, जब आपकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट या कोडिंग आपके ही वेब ब्राउजर पे चलेगी, है ना, तो आपको किसी नेटवर्क की जरूरत है नहीं। बेटा देखो, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखते हो ना, वेब ब्राउजर कहाँ है, आपके ही कंप्यूटर पे, तो आपकी जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है, आपके ही कंप्यूटर, इसको किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है। जिस नेटवर्क के थ्रू कोडिंग जाए, फिर वहां कोड को रन करके फिर वापस इंटरनेट के थ्रू आपके पास वो क्या आ जाए, वो रिक्वेस्ट आ जाए, सही है। तो आपका यहां पे सर्वर क्या होता है, स्लो होता है, या सर्वर साइड स्क्रिप्ट स्लो होती है, क्योंकि उनको चलाने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है। बेटा सिंपल है, देखें, आपकी जब सर्वर साइड लैंग्वेज या सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करके आप जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो पूरी वेबसाइट बन गई, बनाने के बाद कहां रखोगे, वेब सर्वर पे। तो जिस सर्वर पे आपने अपनी वेबसाइट रखी है, उस सर्वर के पास भी सर्वर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखें, सिंपल सी बात है, इस कंप्यूटर पे मैं कोडिंग कर रहा हूं, मेरे पास अपाची इंस्टॉल है, तो मेरी स्क्रिप्ट चल रही है पीएचपी की। अब यही वेबसाइट में जाके कहीं रखूंगा किसी दूसरे सिस्टम पे, तो उस सिस्टम पे भी अपाची सर्वर चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो जहां होस्टिंग करवाते हैं, होस्टिंग का मकसद आप जिस वेब सर्वर पे अपनी वेबसाइट पीएचपी की बनी हुई रखते हैं ना, उस सर्वर के पास भी वो सर्वर होना चाहिए, या उस वेब सर्वर के पास भी वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारे कंप्यूटर के जैसा ही कंप्यूटर है, सही है। क्योंकि पीएचपी या आपकी जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, उसको लाजमी वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसके कोड को चलाए, ठीक है। उसके अलावा हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, सही। अब बात होती है कि अगर आपकी वेबसाइट रख दी आपने सर्वर पे, कहीं से भी एक्सेस करोगे, तो आपकी इंटरनेट के थ्रू आपकी स्क्रिप्ट या रिक्वेस्ट जा रही होती है सर्वर पे, है ना। सपोज आप दराज की वेबसाइट चला रहे हो, पीएचपी पे बनी हुई है, तो आप अपने सिस्टम से कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो आपको पता क्या होगा, आप जो भी चीज लिख रहे हैं ना सर्च में, वो चीज जाती है उनके उस सर्वर या वेब सर्वर के पास जहां दराज की वेबसाइट बनी पड़ी, ठीक। फिर आपका वो जो आपने रिक्वेस्ट लिखी, सर्च कर रहे हो ना कोई चीज, फिर वो आपका वो सर्वर जो उस होस्टिंग वेबसाइट पे इंस्टॉल है पीएचपी को चलाने के लिए, वो चलता है, चलाने के बाद आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, फिर इंटरनेट के थ्रू आपके पास वापस आती है। तो देखो कितना टाइम लगा, वेब ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट की, फिर आपके कंप्यूटर पे गई वो रिक्वेस्ट जहां वेबसाइट पड़ी है, फिर वहां से इंटरनेट के थ्रू रेस्पॉन्स आया, तब तक आपका क्या हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। इसका मकसद सिंपल सा है बेटा, कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट को चलाने के लिए सर्वर की जरूरत है, और आपकी वेबसाइट तो बनाते इसीलिए है ताकि सर्वर पे रखे, है ना, सेंट्रलाइज रखे। मैं कोशिश करता हूं आपको कवर हो जाए। देखें, ये आप वेबसाइट बना के रखते हैं, चाहे वो क्लाइंट साइड वेबसाइट हो या क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट हो, इसमें दोनों स्क्रिप्ट होती हैं, जावा से भी यूज हो रही होती है और पीएचपी भी यूज हो रही होती है। एक पूरी वेबसाइट है मेरी, कहां रखी मैंने, ये वेब सर्वर के ऊपर रख दी, सही है बेटा। अब वेब सर्वर के ऊपर जावास्क्रिप्ट और पीएचपी से मिलके बनाई गई है वेबसाइट, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कहां चलेगी। अब इस सर्वर से जाहिर है जो भी वेबसाइट को बंदा यूज कर रहा है वो उसके अपने ब्राउजर पे चल रही होती है। सपोज आपकी दराज एक वेबसाइट है ना, कहां रखी आपने बना के, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी से बना के कहां रखी, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर किससे एक्सेस होता है बेटा, इंटरनेट से, सही है। अब आपने कोई भी रिक्वेस्ट की अपने कंप्यूटर से, आपका वेब ब्राउजर अपना ऐसे ही है,
तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो कहां चलेगा? अपने वेब ब्राउजर पे, वो यहां तो नहीं आएगा ना इसके पास बार बार। समझ में आ रहा है? जावास्क्रिप्ट की कोडिंग पूरी की पूरी कहां चलेगी? यहां पे वेब ब्राउजर, आपके कंप्यूटर पे। इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं पीएचपी की, तो पीएचपी को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक सर्वर। क्या चाहिए जी? एक सर्वर लाइक अपाची। और सर्वर यहां इंस्टॉल होगा इस वेब सर्वर के ऊपर। ये भी एक कंप्यूटर है ना बेटा, सही है? और आपने यहां से कुछ सर्च किया ना, तो सर्च कर रहे हो, तो आपका अगर वो कोड पीएचपी के थ्रू परफॉर्म होना है, आपने लिखा, समझ लें कि आपने एक टी शर्ट ढूंढी, तो दराज की वेबसाइट से टी शर्ट ढूंढने के लिए क्या होगा? ये रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट के थ्रू इस वेब सर्वर के पास कि यूजर ने मुझसे क्या मांगी है? टी शर्ट। अभी एक डेटाबेस से कौन लाएगी? पीएचपी। तो पीएचपी किस पे चलनी है? सर्वर पे। कौन सा सर्वर? अपाची। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आपकी की हुई रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू जाती है, फिर यहां प्रोसेस होती है, फिर वो रेस्पॉन्स वापस जाता है आपके ब्राउजर के ऊपर। तो इंटरनेट इज लाइक योर मीडियम, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट आ रही होती है फिर जा रही होती है। फिर आपका क्या होगा? ये स्क्रिप्ट स्लो चलेगी, लोडिंग जो टाइम है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरनेट फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। आपकी वेबसाइट की होस्टिंग खरीदी हुई स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है, ऐसे ही है ना? तो आपकी जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो लोडिंग टाइम ज्यादा लेती है, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है वो आपका टाइम कम लेती है। कौन सा क्लियर हो गया? आई होप आपको आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो रेस्पॉन्स जो है वो फास्टर होता है किसका? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का। उसके बाद स्पेसिफिक रेस्पॉन्स इज सेंड बैक फॉर ईच यूजर्स रिक्वेस्ट। आपको पता है हर रिक्वेस्ट आती है फिर रेस्पॉन्स जाता है। और यहां पे बात की जाए, कोड आपका सारा का सारा कहां रन होता है? ब्राउजर के ऊपर। तो आपकी सारी की सारी चीजें यहीं पे क्या हो रही होती हैं? इज डाउनलोडेड फ्रॉम द वेब सर्वर, ठीक है जी? कोड रन्स ऑन अ ब्राउजर। कोड कहां रन होता है? ब्राउजर पे। जब कोई चीज डाउनलोड करनी होती है तो वो आपकी सर्वर से हो रही होती है। कौन सा क्लियर है बेटा? आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। आपकी स्लाइड्स को भी लेके चलना है, वरना मैं कुछ और तरीके से भी इसके कुछ टूल्स या चीजें पढ़ा देता जो आपके और बेहतर होती। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह उस पर जब हम चलेंगे, तो अभी तो बेसिक है, उसको और डिस्कस करेंगे।